इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। महर से प्रदेश की राजनीति को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती हैं। विश्व के बड़े संगठनों में एक भाजपा को सीख महर के नेता देते हैं, लेकिन जब महर के बेरोजगार युवाओं की बात आती है तो वहीं नेता मौन हो जाते हैं। हम बात करेंगे महर के अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट की, जो महर नगर से महज 8 से 10 किलोमीटर के अंदर स्थित है। लोगों ने बताया कि सीमेंट की स्थापना आज से 40 वर्ष पूर्व हरे भरे जंगल को काटकर हुई थी। आज यह उद्योग लोगों को प्रदूषण और बेरोजगारी दे रहा है। लोगों की आवाज जन प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुनते हैं, जिस कारण अब अल्ट्राटेक से प्रभावित क्षेत्र के युवा अन्य प्रदेशों में रोजगार को लेकर भटक रहे हैं। इंडियन टीवी न्यूज से आशीष दुबे की रिपोर्ट। मैं विधानसभा के ग्राम दीवारा का निवासी हूँ, रोहित बर्मन। हमारे रिवारा के पास में ही अल्ट्राटेक मैहर सीमेंट है, जो कि आज सालों से हम रोजगार की मांग कर रहे हैं। आए दिन हमको अल्ट्राटेक प्रबंधक आज काम मिलेगा कल मिलेगा ऐसे कर करके सालों से टरकाए हुए हैं। और हमारे मैहर क्षेत्र के नेता जो कि प्रदेशों की बात करते हैं हर एक काम के लेकर, लेकिन कभी भी युवाओं के बारे में कोई चर्चा कहीं के मीटिंग में नहीं की, न किसी वरिष्ठ नेताओं से की। ऐसा क्योंकि मैहर क्षेत्र के युवा सब रोजगार हैं। आज भी मैं गुजरात में हूँ, आज 6 महीने से। अब मेरे जैसे लाखों युवा दूसरे दूसरे राज्यों में काम करते हैं, जो कि मैहर विधानसभा में 3-3 मैहर सीमेंट कंपनियां हैं। कभी भी मैहर क्षेत्र के नेता इस चीज़ को ध्यान नहीं देते, ना युवाओं को कभी भी काम दिलाने का काम करते। और प्रदूषण को लेकर, जो कि मैहर सीमेंट जो है प्रदूषण से ऐसा फैला हुआ है पूरा क्षेत्र कि हर एक आदमी प्रदूषण से गुजर रहा है, लेकिन आज तक उनको न रोजगार दिया गया, न मैहर क्षेत्र के नेता कभी भी इस चीज़ की अवहेलना की। तो आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा और हमारे क्षेत्र के युवा दूसरे राज्यों में काम करते जाते रहेंगे। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।